मेरा बेबी ठंडा पानी मांगता है, कहता है मम्मा प्लीज गिव मी ठंडा पानी। अच्छा हाँ, उसे बोल दो ठंडा पानी नहीं बेटा, कोरोना कोरोना। नहीं मम्मा ठंडा पानी ठंडा पानी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की मैं हूँ महारानी। सो महारानी रेडी हो चुकी है, एक दिन की महारानिया, बाकी दिन की तो नौकरानी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं मॉर्निंग में उठी थी 6 बजे, तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, मॉर्निंग वॉक किया और एक ग्लास दूध पिया। एक ग्लास दूध पीने के बाद मैं फटाफट से नहाई, क्योंकि मेरे रामू काका और सीता बाई उठ गए ना, तो उन्होंने मेरी जान खा देनी है कि आपको एक दिन भी दिया था और वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा आउटफिट और मेरा मेकअप, मेरा लुक। सो थोड़ा सा पहले की तरह बनने की कोशिश करी है, सब चीजों को दूर रख के और खुद के लिए जीना। एक दिन मिला है ना, इसलिए। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, रामू काका और सीता बाई के पास चलते हैं। सो दिस इज मी। रामू काका एंड हमारी महारानी, सॉरी सीता बाई उठे हैं या नहीं उठे हैं, तो अभी यहाँ पे रामू काका सो रहे हैं और सीता बाई भी सो रही है, तो हम लाइट को ऑन करते हैं, फैन को ऑफ करते हैं। रामू काका, ओए रामू काका, चाय? सीता बाई उठ गए? सीता बाई चाय बनाओ मैडम के लिए। गाइस, सीता बाई उठो, सीता बाई अपना शक्ल दिखा दो। सुबह 7 बजे उठना होता है आपको, है, और आप अभी तक सो रहे हो। रामू काका के तो हाल बेहाल है ऑफिस से आगे। मम्मी को कौन सा नाम दिया है? मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। रामू काका, सुबह का पूरा काम नहीं हुआ है, गार्डन में आपने पानी नहीं दिया है। मतलब ये क्या सीन है, महारानी तैयार हो गई है और ये रामू काका। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इन लोगों के हाल, और रामू काका का लड़का उठ चुका है, रामू काका आपका लड़का भी उठ चुका है और आपको उसको दूध भी पिलाना है आज। और ये सीता बाई मेन है, सीता बाई कि सीता बाई अभी तक नहीं उठी है। भाई उठो, मैं उठ चुकी हूँ। क्या हो रहा है ये देख रहे हो आप, ये लोग, मैं उठ चुकी हूँ। रामू काका चाय लाओ मैडम के लिए। गाइस, एक प्रेग्नेंट लेडी को इन्होंने महारानी तो बना दिया, पर उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी है। सीता बाई चलो भाई उठो, चाय दो ला के उन्हें। हाँ सीता बाई को थोड़ा, आप दादी को भेजो किचन में, दादी जाओ चाय बना के लेके आओ। दादी मेरे को, सीता बाई, रामू काका आप तो कह रहे थे कि आप एक दिन की महारानी बन जाओ, तो बन गए। यार मौसी इतनी अच्छी नहीं लग रही, सही बताऊँ तो मैं महारानी अच्छी नहीं लग रही हूँ? आप तो अच्छे लग रहे हो, पर हमें क्यों करा, आप चुपचाप रील्स बना लेते ना। ये देख रहे हो, रील्स बनाने के लिए कह रहे हैं। रामू काका पोस्ट में नहीं हो गया, मतलब एक हाउस वाइफ सारा काम करे सुबह उठ के, है ना, और एक दिन ना करे तो उसको इस तरीके से घूर घूर के देखा जाए। मौसी सही बात, डील क्या हुई है? क्या डील हुई है बताओ? डील ये हुई है, आपको रील बनानी निकला। अरे डील हुई है, कितनी रील बनानी है? 110। एक भी अगर कम हो गई ना, 10 रील्स बनाने, एक भी अगर कम हो गई ना तो झाड़ू बाहर लगाऊंगा मैं। पूरी सड़क वैसे भी गंदी हो रही है बारिश की वजह से। सीता बाई, मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप इस तरीके से बिस्तर पे लेटे रहोगे तो नेक्स्ट डे आपकी तनख्वाह काट दी जाएगी। अरे तुम लोग को कितने बजे मिल जाता है नाश्ता वगैरह? 9 बजे मिल जाता है ना। रामू काका का लड़का बड़ा क्यूट है। रामू काका जी, आपका लड़का बड़ा क्यूट है। कितना क्यूट है, क्या कर रही है मम्मी? मम्मा को भी कर दो।
भाग 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 जाओ मम्मा को कर दे कर दे जान जान तेरी बन के रहूंगी जान मेरी बन तो सही हटो यार तो भाई क्या पहले जो भी बनाना है बनाओ नाश्ते की तैयारी करो जो भी नाश्ता कौन सा नाश्ता तो 10 बजे मिलता है हाँ तो 10 बजे मिलेगा गाइस आज इनको नाश्ता भी बनाना है आप इतने अच्छे हो ना क्यों रानी है ना रानी वेरी 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 गुड मॉर्निंग आज शालू को मुझे देख के कैसा फील हो रहा है ये फील हो रहा है कि आज काम इतने अच्छे कपड़ों में होगा क्या मैं काम नहीं करूंगी एक राम काका जी आप इस लड़के को कहाँ से लेके आए हो बड़ा ही सुंदर है बड़ा ही क्यूट है ये हवा के झोंके के साथ आ गया था हवा के झोंके गाइस ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है देखो इसी तरह दिखा दो सबको गुड मॉर्निंग कर दो ऐसे कर दो गुड मॉर्निंग गाइस विशु की स्माइल पता है मुझे देख के हो रही है कि मम्मी को आज क्या हो गया मम्मी छुपो छुपो पागल हो गई है कहा विशु गुड मॉर्निंग विशु मम्मी आप पागल हो गाइस आज मेरी क्या क्या खाते तैयारी होती है देखते हैं सुंदर आशा से मम्मी का भी नाम बता दो कोई जो पहले एक दिन तो मिला है अपनी मनमानी करने का है ना तो सासू मम्मी जी का नाम तो सासू मम्मी जी रहेगा चेंज करना है सासू मम्मी का नाम क्या हो सकता है कमला देवी मेरा बेटा तुम्हारा भी तो नाम होना चाहिए मैं तो काम वाली थोड़ी नहीं तो काम करा काम वाली थोड़ी आज तो भैया हाँ सब काम वाले रामू काका का लड़का देखो कितने क्यूट लग रहा है रामू काका का लड़का मैं जो भी खाऊंगी वो बर्तन उठा के रख के आएगा महारानी हमें दूध लाओ हाँ दूध चाहिए चलो चलो भाई ज्यादा देर नहीं करते हैं मेरा मेकअप डल हो जाएगा वैसे भी प्रेगनेंसी में सारी चीजें डल हो रही है फेस देखो फेस नहीं 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 प्रेगनेंसी में खाने के सिर्फ ये नहीं रहता है सब सारा से सारी चीज हो जाती है आप देखो ना नोज के पास कितना मोटा सा पिंपल्स निकल गया है मेरे आज निकलना था एक दिन की महारानी बनने के टाइम पे तो फ्रेंड्स ज्यादा देर नहीं करते हैं और मैं थोड़ी सी रील्स बनाती हूँ और सीता भाई उठो चलो और रेडी हो जाओ रील्स बनाते हैं दोनों आज की तारीख में तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी हाय मम्मी थैंक यू सो मच नहीं लगेगी मेरी प्यारी प्यारी बहू रानी हाँ जी तुम्हें मुबारक हो सारी खुशियाँ मुबारक हो मम्मी ऐसा लग रहा आज ही मैंने तुम्हें गुड न्यूज सुनाई बाबू हाँ जी कैसे निकल बाबू मम्मी को तो आज ऐसा लग रहा आज ही मैंने गुड न्यूज रामू काका रामू काका रात बर्तन नहीं मांजे थे क्या रामू काका ने आपने रात बर्तन नहीं मांजे आपकी डीलिंग रात 12 बजे से थी मैंने सारे ठीक करके सोई हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं है फिर कैसे आ गए बाबू वो मीटिंग आ रहा है मैं दवाई खाऊ दवाई खाना सुबह वाली दवाई नहीं खाई सो फ्रेंड्स मीटिंग आ रहा है अभी तो वो मीटिंग वाला हाल हो रहा है मेरा ना ऐसा फील हो रहा है कि सो फ्रेंड्स अभी मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग जैसा हो रहा है पर वोमिटिंग आ नहीं रही है मेरा मतलब 6 मंथ स्टार्ट हो गया है फिर भी मतलब वोमिटिंग जैसा है अभी भी कच्चा आम खाने का मन करता है सारी मतलब खट्टी खट्टी चीजें खाने का मन करता है तो अभी देखते हैं क्या होता है सो फ्रेंड्स हमारी सीता बाई के ऊपर इतना ज्यादा काम आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था सीता बाई तो नहीं है ये तो मेरा रोज का काम है तो हम इसे सीता बाई नहीं कहेंगे आई एम नॉट सीता बाई ओके सो फ्रेंड्स सीता बाई ने खाना लगा दिया है सबके लिए ये काय के पराठे हैं चालू आलू के सो दादी को दे दिया गाजर के सो दादी को शालू ने नाश्ता दे दिया है देखो 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 तो मम्मी सालू के हाथ के परांठे आपको कैसे लग रहे हैं स्वादिष्ट लग रहे हैं हाँ। और ये रामू काका का बेटा क्या खा रहा है नहीं परांठा खा रहा हूँ मम्मी का चश्मा लगा के सो फ्रेंड्स जो हमारे रामू काका है ना
वो बहुत ज्यादा कामचोर है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि आपके लिए बाहर से नाश्ता आएगा सुबह, और अभी तक नाश्ता नहीं आया है, तो बेचारी सालू पराठे सेकी जा रही है, सेक रही है। सो रामू काका काम चोर है, आपको पता चल ही गया होगा। सो रामू काका ने हमारी रील तो बनवा दी है, बट नाश्ते में हेल्प नहीं करा रहे हैं। सो शालू नाश्ता बना रही है, अभी नाश्ता करेंगे। बेचारी मौसी इतना थक गई है कि क्या बताएं, उन्हें नींद आने लगी है। सीता बाई ने अपना सारा काम कर दिया है, विशु भी नाश्ता कर रहा है। विशु क्या खाई हो आप? इधर कर दो कैमरा पर, इन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, मैं बेहोश होने वाली हूँ। बेहोश होने वाली क्या हो गई हूँ ऐसे? मतलब नाश्ता पहले किसको देना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए? यार आपका नेल पेंट बहुत सुंदर आ रहा है, जो भी है। हाय मौसी क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं क्या बोलूँ जब आपने मुझे सीताबाई बना दिया है, मैं नहा के वही तो खिलाऊं, क्या बोलूँ मैं बताओ। सोने दो क्या बोलूँ मैं, तेरे प्यार ने मुझे सीताबाई बना दिया है, ये बोलूँ? नाश्ता करा तूने? नहीं अभी नहीं करा। कर ले फिर। नहीं मैंने सोचा आपके साथ, मौसा जी के साथ, ओ आई एम सॉरी, रामू काका के साथ करूंगी, क्योंकि हम तो नौकर है ना, एक साथ खाएंगे। मालकिन आपको लगा दो। ये देख रहे हो कितने ड्रामे हो रहे हैं इनके, हैं? हेलो इधर। हाँ। जी। क्या हुआ, ठीक ठाक हो? हम तो ठीक है, पर ये बताओ मैं क्या बोलूँ क्या? नाश्ता लगा दूँ? अभी नहीं, मौसम जी रामू काका। हाँ रामू रहे हैं। फ्रेंड्स आप मेरी शालू की पागल बनती सुनो, क्या मैंने सबसे पहले नाश्ता दो छोटे बच्चों को खिला दिया है, मम्मी 6 महीने की हैं और विशु ढाई साल के हैं, तो छोटे बच्चों को नाश्ता करा दिया है मैडम जी ने। सीता भाई जी, कौन सा बच्चा ज़्यादा परेशान करता है? ये वाला ये 2 साल वाला, 6 महीने वाले तो आराम से सोए रहते हैं। ये देखो भाग गया, खाना नहीं खाता है बिल्कुल भी। रेशु दीदी खाना खिलाती है ना, चलो। तुम्हारे रामू काका ने कल डील ली थी, पर ये सारी डील तो मुझे लग रहा है आपके ऊपर डाल दी। देखो डाली हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप रेस्ट करो बस। हाय मेरा बच्चा, गाइस सालू पता है मैं बहुत। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आज के दिन आपको पूरा रेस्ट दूं जितना मुझसे हो सकेगा। अच्छा जी। सो गाइस वाकई में ना शालू बहुत ध्यान रखती है मेरा, अगर मैं लेट जाती हूँ ना तो सोते सोते ही पता है कुछ भी बना के ले आती है। फ्रेंड्स ये खाना आ चुका है, ये है रात, ये रात की दाल है, ठीक है, आलू की सब्जी रात की दाल है ये। रामू काका और सीता भाई कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पराठा बनाते हैं। आज ये रात की दाल मिल तो रही है, वरना कल दोपहर की दाल मिलती वो। सो फ्रेंड्स आज गढ़वाली माँ सच्चाई के साथ है, जो जो मिलेगा वो सब आपके साथ शेयर होगा। सो ये दाल है, चलो खा लेते हैं ना, नहीं तो रामू काका और सीता भाई गुस्सा हो जाएंगे। गाइस देखो रामू काका और सीता भाई के होते हुए मुझे ये गर्म पानी पीने को मिल रहा है, ठीक है, गरम ही मिलेगा बेटा, गुनगुना करके नहीं दिया क्या? सादा पानी है तो बोलो। फ्रिज में वाटर क्यों नहीं रख रहे हो रामू काका? सीता बाई का काम क्या है पूरे दिन भर का? आजकल कोरोना चल रहा है, सबको पता होगा कि हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है, वो तो भाई के लिए वैसे भी यार अच्छा नहीं होता, ठीक है। रात को क्या डील हुई थी कि सारा काम करोगे जो तो सारा ही तो कर रही हूँ यार अभी। एक मिनट सारा काम करोगे जो मैं करती हूँ तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना आप करते हो। वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं यार, वो भी कब धुलते हैं? संडे को और बुधवार को। नाश्ता भी अच्छा नहीं, ये मिल तो गया कम से कम। प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर मैडम को पानी दो तो ठंडा देना, ठीक है, ज्यादा ही नहीं हो रहा कुछ। तो ये गर्म पानी भी तक कौन देता है आजकल? सबके घर चले जाओ, सब लोग देते हैं, ठीक है, गरम गरम ही मिलेगा। चंदा
लोगों के घर में तो फ्रिज भी नहीं मिलता, यहाँ तो फ्रिज भी है। तो बेटा रखो ना, उसका फायदा उठाओ। तो नहीं उठाना हमें। गैस गर्म पानी नहीं मिला है आप लोगों के घर, अगर ठंडा पानी है तो प्लीज एक प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प कर दो, ठंडा पानी दे दो। ये मैं सुबह जब आया था, चालू रखना इसको। मैं जब सुबह आया था ये कढ़ाई बाहर की रखी थी। क्या ये गैस पे क्यों रखी थी कढ़ाई? ये कढ़ाई इसलिए रखी थी ताकि सुबह नाश्ते में खाया जाए। ये रात को फ्रिज में क्यों नहीं रखी गई? क्या हमारी सब्जी की कढ़ाई रात को बाहर ही रहती है क्योंकि सुबह नाश्ते में वो सब्जी खाई जाती है। ये आप सब लोगों ने सुन लिया ना कि रात की सब्जी सुबह नाश्ते में खाई जाती है, मैंने ही वो ही दिया है आज। हाँ तो ओ हेलो, क्या मैंने वो दिया है? सारा काम तो मैंने करा है, पराठा मैंने बनाया, दाल मैंने गर्म करके दी है, और आपका क्या बस लगा के लेके आ गए तो मैंने करा है। नहीं नहीं नहीं, मौसी बोल रही थी ना कि मेरे को रात की दाल दे रहे हैं, ये मैंने उनके मुंह से उठवाया अभी मैंने। मैं स्किप करती हूँ अपनी डील, ठीक है तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ा सा चलो चेंज करती हूँ और काम पे लग जाती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, कपड़े पहन के रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, ठीक है ना, महारानी बनने के लिए ऐसी नहीं होता है। महारानी में बन रखी है, तुम काम तो करो यार, ठंडा पानी तो दो कम से कम। ठंडा पानी ठंडे पानी के पीछे आप करते हो, तुम वैसे हो, हम ठंडा पानी नहीं दे सकते बच्चे को, हानिकारक हो। हाँ, एक प्रेग्नेंट लेडी को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मालकिन बना रखा है तुमने मुझे, ऐसे वाली मूवी। ये तो दोबारा आपका काम था। मौसम तो बड़े सुंदर आ रहे हैं यार, वाह। एक वीडियो शूट करने में हजबेंड जी ने 10 मिनट लगा दिए। झूठ, कभी कहते हैं पंखा ऑफ कर दो, कभी कहते हैं ऑन कर दो, कभी कहते फैन का ऑफ कर दो। हैं, फैन ना है ना पंखा है, वो फैन का। तुम्हारा बेबी कह रहा हूँ, पापा कभी पंखा बंद करवा रहे, कभी खुलवा रहे, उसे जरूर पता पंखा क्या हो रहा है। सो गाइस, अभी ये वाला ड्रेस हो गया, अभी चेंज करने की बारी आती है, बहुत गर्मी लग गई है। मैं अगर अभी इनका वेट करूंगा ना तो कम से कम 2 किलो ज्यादा निकलेगा, पता है क्यों? क्यों? कान में 1-1 किलो के वो लटके हुए। रामू काका कपड़े वपड़े पहन के यहाँ पे क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो रामू काका? आज डिश में क्या क्या है, खाने में क्या क्या है? रोज होता है जैसे कि रात की सब्जी और रोटी। मैं खाना बना रहा हूँ बस। रामू काका बेचारे मेहनत करते हुए, और सीता भाई डांस करते हुए। ए सीता भाई, हाँ बोलो, खाना रेडी है? ये तो भैया बड़े खड़ूस हो रखे, सीता भाई और बहन साहब। गाइस आप देख रहे हो इनको, मतलब इन्होंने खुद मुझे महारानी बनाया है, और उसके बाद महारानी हो तो हम ये बात बता दो आप उनको, क्या आप मतलब कौन सी कमी हो रही है, हम हर चीज कर रहे हैं आपके साथ। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एटीट्यूड हमारे अंदर, एटीट्यूड इन ब्लड। ओके, सो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ चेंज करके, सालू बाहर बैठ के रील बना रही है। सो अभी मेरे से अपने हस्बैंड जी की हालत नहीं देखी जा रही है, सो मैंने चेंज कर लिया है, उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया है किचन में, तो आपको किचन में लेके चलते हैं। एक पत्नी अपने पति को इतना काम करते हुए नहीं देख सकती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ, तो चलते हैं अंदर। सो मेरे हस्बैंड जी ने OMG ये पूरे बर्तन मांज दिए हैं, और आज किचन की हालत देखो आप, रिमोट यहाँ पे है, ठीक है? ये है हमारा फाइनली फैला हुआ किचन, ठीक है? फैला हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, अश्विन जी ने किया है। सो अश्विन जी क्या फैला हुआ है? क्या फैला हुआ है? अश्विन जी इतने सारे बर्तन क्यों मांजे? इतने सारे, जब रात में 12 बजे नहीं मांजोगे तो यही होगा ना बाबू? रात को एक भी बर्तन नहीं था, सारे बर्तन थे रात के। बाबू सीरियसली एक भी बर्तन नहीं था रात को? सीरियसली क्या होता है, तुम्हें तो पता था कि आज तुम राजकुमारी हो, तो काम ही नहीं करा तुमने कोई रात?
चलो अब मैं काम करूंगा। नहीं नहीं भाई नहीं। तो अरे अभी डील कैंसिल कर दो। हाँ भाई डील कैंसिल भाई। नहीं नो नो डील नो कैंसिल। डील कैंसिल। अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगी। और आप ये देखो पिंपल आ गया है मेरे फेस पे। सो अश्विनी थक जाए। ओह मैं भी थक गई हूँ। नींबू पानी पियोगे? नहीं ये कोल्ड ये हाय कोई तो रोक लो मेरे पति को। पियोगे? हाँ या ना? है? हाँ या ना? एक मन तो कर रहा है कि हाँ कर दूं पर जो एक पत्नी वाला मन है ना तो वो कह रहा है कि थक जाओगे आप। हाँ इसको तो इसलिए रहने दो। अरे पी लो। बना दो फिर हमारे खाना बना के लिए आए हैं प्यारे प्यारे रामू काका। रामू काका मैं तो आप साइड तो नहीं हो गुस्सा तो ठंडा पियोगे कि आपने सब कुछ खाना बनाया है तो नहीं हो ना। सो गाइस खाना आ चुका है खाते हैं एंजॉय करते हैं। चलो यार अच्छा देखो बहुत काम करवा लिया अब मेरी बारी होगी ठीक है। मौसा जी ने बहुत काम करवा अब ये प्लान कैंसिल हो गया। वैसे भी अब मैं खुद करूंगी अब। है यस